ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस बार धनतेरस पर दो दिन खरीदारी होगी। शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की रात्रि यानी आज रात से 13 नवंबर की संध्या काल तक रहेगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाने वाली धनवंतरी जयंती अर्थात धनतेरस 2020 पर धातु की वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे धन वैभव सुख समृद्धि का वास होता है। जानिए किन राशि वालों को क्या खरीदारी करनी चाहिए। मेष राशि वाले, इस राशि वालों को धनतेरस सोना चांदी की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जमीन जायदाद, वाहन की खरीदारी से बचें। वृषभ राशि वालों को चांदी, हीरा, जमीन जायदाद, फिक्स डिपॉजिट और वाहन आदि की खरीदारी करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना व चांदी की खरीदारी करें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से कर्क राशि वालों को सोना चांदी की वस्तु या आभूषण खरीदने में लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ होगा और जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। सिंह राशि वाले सोना चांदी, तांबा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार आदि में निवेश करें, लकड़ी के फर्नीचर खरीदें। कन्या राशि वाले सोना व चांदी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। तुला राशि, चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार से दूर रहें, वाहन की खरीदारी से भी बचें। वृश्चिक राशि वाले सोना चांदी, जमीन जायदाद, किसी भी प्रकार का निवेश से बचें। धनु राशि वाले सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, शेयर बाजार, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। मकर राशि वाले चांदी, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील के फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसी तरह से कुंभ राशि वाले सोना, फिक्स डिपॉजिट, चांदी, वाहन की खरीदारी से बचें। मीन राशि वालों का इस वक्त भाग्य अच्छे प्रबल स्तर पर है। ये हर प्रकार की खरीदारी एवं निवेश इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे नए राशिफल के साथ।